معلاما نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله مولانا العزيز <applause> معزز سامين سورة البقرة کی آية نمبر और उनतालीस तिलावत करने की सदत हासिल की है इन आयात में अल्लाह पाक ने जनाब सैदुन आदम और उनकी जरूरीत को दुनिया में भेजे जाने का जिक्र फरमाया और इशाद फरमाया कुल न मिनहा मिन हा जमीआ हमने फरमाया बु मिन कि तुम सब उतर जाओ जमिया सारे के सारे यानी अब ये हबूत आदम व जर्रीत आदम था आदम आसम अभी अकेले थे लेकिन जमा का सीगा लाफाक ने इस्तेमाल फरमाया जो इस बात पे दलालत करता है कि ये खिताब सिर्फ़ आदम आम को नहीं है बल्कि उनकी पूरी ज़र्रियत को है औलाद आदम को है कि हमने तुम्हें अब दुनिया में भेजा है तुम सब को तो ये इसमें एक और इशारा है कि ये अज़ल से ला पाक का प्लान था अल्लाह पाक का मंसूबा था और ज़ाहिर है आदम आदमाम इस दुनिया में तशरीफ़ न लाते तो इस दुनिया में ना इंसान आबाद होते ना ही इंसानों को आदम के बाद नू मिलते ना इब्राहिम मिलते ना मूसा मिलते ना ईसा मिलते और ना हबीबुल्ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलते यूँ ये एक पूरा सिलसिला है और ये उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इरादे की तकमील है जो उसने अजल से ही तय फरमाया था यही वजह है कि इससे पहले वलकुम फिल अर्दी मताउन इलाहीन कह के इरशाद फरमाया था कि हमने तुम्हारे लिए ज़मीन को मुस्तर बनाया है और साइंसदान ये मानते हैं कि दुनिया हमेशा से इस लायक नहीं थी कि इसमें इंसान बस सकती इंसान के बसने के लायक न थी ये भी एक आग का खुर्रा थी जिस तरह आग का एक गोला होता है ना उसी तरह ये आग का गोला थी और फिर अल्लाह पाक ने इस पर मुख्तलिफ गैसेस के मी बरसाए तब जाकर ये ठंडी हुई और फिर इसमें चश्मे जारी किए और मुसलसल एक निज़ाम बारिश का अल्लाह रब्बुल रबुल्जत में इसको रखा यूं जाकर ये जमीन इस काबिल हुई कि इसमें इंसान बस सकें आप देखिए कि नासा के जितने भी खलाई मिशन हैं उन सब मिशनों की अपनी अपनी एक लागत है और वो बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स में उनका बजट होता है तो कभी ख्याल था कि चांद पे बसेंगे कभी ख्याल था कि नहीं ये इसकी बजाय हम जो है वो अतारुत पे बसते हैं या मार्स पे बसते हैं तो जुपिटर की तक की भी बातें हुई तो ये सब खाम ख़यालियां हैं जितनी मर्जी परवाजें कर लें अल्लाह पाक ने इंसान के लिए जमीन को मुस्तकर बनाया है तो ये तमाम ख्याल उस वक्त ख़त्म हो जाते हैं जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पाक कलाम पढ़ा जाता है तो फरमाया। फिल अर्दी मुस्तर ऐसा मुस्तकर बनाया कि साथ ये भी फरमाया वो मता और और इसमें जिंदगी भी तुम्हें बख्शी है एक मुद्दत तक यहां कोई भी आता है उसे जाना होता है यानी ये यह दुनिया हमेशा के लिए नहीं है ना ये दुनिया हमेशा के लिए है ना इस दुनिया में आने वाला कोई हमेशा रहेगा वो भी जाएगा सो अब अल्लाह इज़्ज़त कि इस इरादे की तकमील जनाब सैदादम के जरिए हुई और अल्लाह पाक ने हज़रत सैदम को इर्शात फरमाया कुल नह बिन हा जमिया कि तुम सब के सब उतर जाओ फ इमा याती हदन तो सुनो अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत का पैगाम आए फमन तब या हदा तो जिसने उस हिदायत की पैरवी की फ़ला ख़ौफन आल वम यखजनून तो ना उसका कोई खौफ रहेगा और ना उसका गम रहेगा खौफ भी खत्म और गम भी खत्म खौफ होता है मुस्तकबिल का और गम होता है माजी का यानी मुस्तकबिल का खौफ ना रहेगा और माजी का गम ना रहेगा ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मनजल कलाम है देखिए इंसान को भी अल्लाह पाक ने शूर बख्शा अक्ल बख्शी दानाई बख्शी और फिर इल्म बख्शा इसके बावजूद अल्लाह पाक ने यह नहीं फरमाया कि तुम इस इल्म से बेखौफ और गमगीन जो है उस वाली जिंदगी से निकल आओगे नहीं इंसान को शूर ज़रूर बख्शता है मगर खौफ से नि नहीं निकालता गम खलत नहीं करता इसके लिए उस कलाम की ज़रूरत है जिसे मनजल कलाम कहते हैं जो अल्लाह नाज़िल फरमाता है इंसान की बेशुमार तश्नगीों का जवाब और बेशुमार उन सवालों का जवाब जो दुनिया का कोई इल्म नहीं दे सकता अल्लाह का इलम देता है इसलिए अल्लाह पाक ने मुतलक हिदायत के लिए ऐसी हिदायत जिसमें कोई कमी नहीं होती जिसमें कोई कजी नहीं होती उसके लिए अल्लाह पाक ने अम्बिया को एक वास्ता बनाया है बनी नोए इंसान के लिए हज़रत आदम सलाम पर भी अल्लाह पाक की वही उतरती थी हज़रत शीश आसाम पर भी हज़रत नू आलाम पर भी अल्लाह पाक ने यूं अम्बिया का एक सिलसिला जारी किया जो कम वेश एक लाख चौबीस भी हजार अम्बिया हैं तो इस हिदायत के वाले सल्ला ने फरमाया कि अगर वो हिदायत जो मैं तुम्हारी तरफ भेजूँ यानी मनजल हिदायत जो नाजिल करदा हिदायत है तो अगर कोई उसकी पैरवी करेगा तो खौफ भी खत्म हो जाएगा उसका और गम भी ना रहेगा अल्लाह के कलाम में अल्लाह की हिदायत में ये सुकून है जिसको इंसान तलाश करता है आज भी आप देख लें कि कभी आपको तकलीफ हो कोई गम हो कुरान उठाइए इसे देखिए और इसे पढ़िए अला भी जिक्र कुलूब कुलूब को इत्मीनान मिलता है अल्लाह के जिक्र से और अल्लाह का कुरान ये जिक्र भी है अल्लाह का एक कलाम का एक नाम जिक्र भी अला भी जिक्र कुलूब तुम जहां मर्जी फिर लो सुकून तुम्हें अल्लाह पाक के कलाम के जरिए से मिलेगा पढ़ने से भी और अगर इस पर पैरवी की जाए इसकी हिदायत के मुताबिक जिंदगी गुजारी जाए तो फिर तो नूर अला नूर है फिर फरमाया वल लजीन अक्का फारूह और जिन्होंने कुफ्र किया व भी आयाती ना और जिन्होंने जुटलाया हमारी आयात को का असाबनार तो यही हैं वो लोग जो जहन्नम में जाएंगे उलाई का असखाबनार ये लोग दो में जाएंगे हम फी हा खालिदून और ये उसमें हमेशा रहेंगे यानी अजल से फैसला था कि जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम का अदब करेंगे कलाम की पैरवी करेंगे तो उनका खौफ भी जल, चला जाएगा और वो गमगीन भी न रहेंगे और इसके बरक्स वो लोग जो इनकार करेंगे अब देखिए जनाब सदना आदम सलाम पहले बशर हैं और पहले नबी हैं और बशरियत से भी पहले अगर मैं एक बात करूं तो आप बशर होने से पहले नबी हैं अल्लाह पाक ने उनके नबुवत का फरमाया और उन्हें बना दिया तो आदम सलाम के हुजूर जिसने बेअदबी की तो वो जितना मर्जी बड़ा आबिद था तो वो काफिर हो गया अबावस्त अकबर वकान मिनल काफिर उसने इनकार किया तकबर किया और वो काफिरों में हो गया काफिर हो गया तो नबी की पैरवी न करके नबी का इनकार करके बंदा मुसलमान नहीं रहता काफिर हो जाता है इसी बात को अल्लाह पाक ने यहाँ पर भी दोहराया व कफरू और जो इनकार करेंगे अब जाहिर है ये इनकार किसका है अगर तो आयात का होता तो अल्लाह पाक वक़्जबू जो है वो बाद में ना लाता बल्कि अलग से लाना मकसूद ना रहता बल्कि ये कुफ्र बुनियादी तौर पर उस नबी का है नबी का इनकार खुदा का भी इनकार है नबी का इरफान बंदे को मिले ना तो इरफान जाते खुदा भी मिल जाता है जिन लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना तो अल्लाह पाक ने उनको हिदायत की भी तोफीक दे दी इसलिए कहते हैं अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों जो लोग अदब करते हैं अदब वालों के लिए हिदायत के रस्ते खुलते हैं अदब वालों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रहमतों के दरवाजे खुलते हैं तो अदब बहुत ज़रूरी है तो जो अदब करते रहे या उन्होंने इनकार नहीं किया नबी का वक्त के नबी का तो अल्लाह पाक ने उनको किसी न किसी मरहले में ईमान बख्श दिया ईमान याद रखिए अल्लाह पाक ने आपको जिंदगी बख्शी ये भी बड़ी नेमत है आपको मालो दौलत बख्शी ये भी नेमत है औलाद बख्शी ये भी बड़ी नेमत है बख्शा ये भी नेमत है घर बख्शा ये भी नेमत है इन सारी नेमतों में जो अल्लाह पाक आपको बख्शता है ईमान से बड़ी दौलत कोई नहीं है ईमान वो दौलत है जिस दौलत के बदले आप सब कुछ भी दे दें तो घाटे का सौदा नहीं है ये बहुत अजीम दौलत है इसकी कदर उस बंदे को होती है जो बिल्कुल अपने आखिरी मरहले में हो और जब उसे ये नज़र आ रहा हो कि मेरा आखिरी वक्त है और फरिश्ते मेरे आमाल की वजह से मुझे दो में ले जाएंगे जैसे हज़ूर सल्ला व ख़ब्र के पास से गुजरे तो आप सल्ला फरमाया कि देखो इसे गड़ा मत समझो ये कब्र सिर्फ ढेरी नहीं है या तो ये जन्नत की क्यारियों में से कोई क्यारी है या फिर दोजक के गढ़ों में से कोई गढ़ा है अच्छा इस हदीस से कब्र के मामले का भी सबूत मिलता है यानी कब्र बाज लोग हैं ना जो कहते हैं ना जी कब्र में कोई अजाब नहीं अजाब जो है वो हश्र के बाद ही होगा इसमें तो बस बंदा मर गया जब हश्र होगा तब उठाया जाएगा अमल की बिना पर जन्नत में जाने वाला जन्नत में पहुंचेगा दो में जाने वाला दो में अमल की बिना पर तो कब्र कुछ ऐसा नहीं है हालांकि कुरान के, के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान कुरान की आयत की तशरी है हुजूर की वजाहत हुजूर ने फर्मा से ढेर मत समझो इसे सिर्फ एक कब्र मत समझो बल्कि ये या तो जन्नत की ग्यारियों में से क्यारी है या दोजक के गढ़ों में से गढ़ा है इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र की ताजीम का इर्शाद फरमाया कि कोई उस पर बैठे ना कोई उस पर सवारियां चढ़ाए कोई उस पर खड़ा ना हो जाए कि ये बेअदबी है अदब का मामला इसीलिए सिखाया कि ऐसा नहीं है कि अंदर कोई मुर्दा ही पड़ा हुआ है ना या तो वो जन्नत की क्यारियों में से क्यारी है या इज्जत ईमान की तोफीक दे दे तो वो बहुत बड़ा किस्मत वाला है इसलिए रब्बुल इज्जत की इस इनायत पर जो उसने हम पर की शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तूने हमें मोमिन में पैदा किए अच्छा बाज़ मरतबा याद रखिए एक ईमान तो है जो हमें विरासत में मिल गया एक ईमान शौरी ईमान है वो बड़ा ज़रूरी है यानी अगर आपको उम्र के इस हिस्से में भी जाकर ये ख्याल नहीं आया कि मेरा ईमान शौरी होना चाहिए तो आप समझ लीजिए कि आप गलती पर हैं हज़रत इमाम गज़ाली ने अलमुल्कस मिनतल में लिखा कि अल्लाह रब्बुल रब्ल माँ बाप की तरफ से अगर आपको मोमिन बनाता है तो अच्छी बात है मगर याद रखो इसके बाद आपके ईमान का शौरी होना जरूरी है अगर शौरी ईमान ना हो ना तो बंदे को ईमान की वो हलावत नसीब नहीं होती जो कि होनी चाहिए साहबा का ईमान मोरूसी ना था वो शौरी ईमान था आप देखते हैं ना तो शौरी ईमान की जो बरक़ात थी वो मौरूसी ईमान में नहीं है आज भी देख लें चूँकि हमारे मा माँ बाप मुसलमान हैं हमारे दादा मुसलमान थे आबा व अजदाद मुसलमान थे तो हमें चूँकि ईमान मिल गया मुफ्त में हमें उसकी वो कदर नहीं इसकी बनस्बत इसकी बजाय अगर आप वो लोग जो रिवर्टेड होते हैं यानी कहीं कोई क्रिश्चियन था यहूदी था वो मुसलमान जब हो जाते हैं तो उन वो ईमान चूँकि उनका शौरी ईमान होता है तो आप हैरान होंगे कि हम नस्लम बाद कुरान को समझ के नहीं पढ़ते और वो पहली ही नस्ल में कुरान को समझ के पढ़ते हैं यहां तक कि कई लोग मुसलमान कुरान को पढ़ के हुए हैं कुरान को पढ़ के मुसलमान हुए और हम ये कहे फिरते हैं कि जी कुरान पढ़ेंगे तो कोई गुमराह ना हो जाए हम ये सुनते हैं कि कुरान को कोई तर्जमे से पढ़े तो कहीं गुमराह ना हो जाए अल्लाह के बंदो अल्लाह का कलाम गुमराह करने के लिए नहीं आया इसे पढ़िए तर्जमे से पढ़ें समझ के पढ़ें आपके जहन की वो वो खिड़कियां खुलेंगी जो कभी भी खुली ना थी उन उन खिड़कियों से ठंडी हवा पहुंचेगी जिनसे आप तरस गए थे कि ठंडी हवा आए और वो वो सवाल जो आपके जहन में थे ना उनके जवाब कुरान देता हुआ नजर आएगा और आप हैरान हो कि मेरा पाक परवरदिगार किस तरह मुझसे मुखातब है देखिए जब अल्लाह पाक खिताब फरमाता है ना तो इंसान के सवाल की कोई गुंजाइश रहती नहीं लिहाजा कलाम से जुड़िए फरमाया वल्लीना कफरू और जिन्होंने कुफ्र किया वो भी आयाती ना और तकजीब की हमारी आयात की उलाई का साबुनार तो ये हैं लोग हम हा खालिदून और उसमें वो हमेशा रहेंगे अब ये याद रखिएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया का कानून ये बनाया कि इसमें खुलूद नहीं है यहां कोई भी आएगा उसे एक दिन मरना है चाहे वो अच्छी जिंदगी गुजारे चाहे वो बुरी जिंदगी गुजारे चाहे वो गुरबत में गुजारे चाहे अमारत में गुजारे चाहे वो वक्त का बादशाह हो या किसी गली का फकीर हो दोनों ने मर जाना है खुलूद नहीं है लेकिन जब उस दुनिया की बात करें यानी इस दुनिया के बाद की दुन, जो दुनिया है जिसे हम आखिरत कहते हैं आखिरत एक होता है ना अव्वल और एक होता है आखिर अव्वल का जो मुतजाद है इसका जोड़ा जो है वो आखिरत है दुनिया पहले आपके लिए अव्वल है, है। आखिरत इसके बाद है आखिरत मतलब बाद में आने वाली बाद में आने वाली तो बाद में जो दुनिया में अल्लाह पाक दुनिया के बाद हमें जो जिंदगी बख्शेगा उसके लिए कुरान में खलूद आया यहाँ पहली दफा आया और फिर आगे कई दफा आएगा जन्नत के लिए भी जन्नत खालिदीन फी हा इसी तरह दो जक के भी लिया आएगा होम फी हा खालिदून के उसमें हमेशा रहेंगे खलूद है वहां मौत नहीं है मौत को भी अल्लाह पाक कुरबान फरमा देगा और फिर उसके बाद किसी को मौत नहीं आएगी और वो जिंदगी फिर ऐसी भी नहीं होगी कि बंदा मौत मांगे याद रखिएगा यहां तो बंदा तंग होकर मौत मांगता है जन्नत वाली जिंदगी में बंदे को वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रबुलर और निशात फरमाएगा कि मौत वाली कैफियत ही नहीं आएगी जवान होंगे जवान ही रहेंगे और रोजाना आपकी सेहत पहले से बेहतर होगी यहां तो तंजुल आता है ना जवानी के बाद आपकी उम्र ढलती है आपके असाब भी ढल जाते हैं आपके कवा भी कमजोर पड़ जाते हैं जबकि वहाँ पर रोज बरोज आपका हुस्न दुबाला होगा आपकी सेहत और अच्छी होती चली जाएगी अल्लाह ताला हम सबको जन्नत का हकदार बनाए और दोजख से हम सबको महफूज रखे कि दोजख उसके गज़ब की जगह है और जन्नत उसके रज़ा का मकाम है अल्लाह तला से हम सब उसकी रजा के सवाली हैं वरुद दावानदिल् रब